नमस्कार। डायना ट्रैक टू व्हील ड्राइव के धमाकेदार सक्सेस के बाद अब मैसी फर्गुसन लाया है डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव सीरीज 244 और 246, 44 एचपी और 46 एचपी में। दोस्तों, आजकल वेटलैंड एग्रीकल्चर में यानी कि धान की खेती में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स का चलन काफ़ी बड़ा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि चारों पहियों में ताकत होने के कारण ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है, जिससे व्हील स्लिपेज कम होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा कारण है कि कई जगह सरकार ने केज व्हील के ऊपर बैन लगा दिया है, यानी आप ट्रैक्टर के ऊपर केज व्हील लगा के सड़क पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आप बिना केज व्हील के भी हाइलक टायर और रोटावेटर के साथ आसानी से अपना खेत तैयार कर सकते हैं, पडलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने किन खास फीचर्स के कारण डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव है सबसे बड़ा ऑलराउंडर। दोस्तों, शुरुआत हर बार की तरह आगे से करते हैं। सबसे पहले डायना ट्रैक के फ्रंट एक्सेल को देखिए। ये एक्सेल पूरी तरीके से सील्ड है। पडलिंग के दौरान कई बार ट्रैक्टर 1 से 2 फीट की गहराई में चला जाता है। इस दौरान अगर हमारा फ्रंट एक्सेल सील्ड होता है तो इसमें पानी की एंट्री बिल्कुल नहीं होती, यानी मेंटेनेंस ना के बराबर होता है। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव के फ्रंट टायर्स की बात करते हैं। इसके फ्रंट टायर हैं 8-18 साइज के। जब पडलिंग करते समय आपको धान के छोटे से खेत में शार्प टर्न लेना होता है, उस समय ये टायर काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है जमीन से ट्रैक्टर की ऊंचाई। 244 का ग्राउंड क्लियरेंस है 385 मिलीमीटर और डायना ट्रैक 246 का ग्राउंड क्लियरेंस है 400 मिलीमीटर। इतने अधिक ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा ये मिलता है कि कितनी भी डीप पडलिंग हो, आपका ट्रैक्टर कहीं फंसता नहीं है और आराम से पूरा पडलिंग ऑपरेशन पूरा कर लेता है। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव को पडलिंग का किंग बनाता है इसका गेयरबॉक्स। इसका गेयरबॉक्स 24 स्पीड वाला गेयरबॉक्स है, जो आता है सुपर शटल टेक्नोलॉजी के साथ। इतने गियर ऑप्शंस मार्केट में कोई अन्य प्लेयर के पास नहीं है। इसका फायदा ये मिलता है कि आप 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पडलिंग में आगे भी जा सकते हैं और उसी स्पीड से रिवर्स भी आ सकते हैं, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। पडलिंग के दौरान जब घंटों काम करना होता है तो सबसे ज़्यादा काम आता है ये क्लच, और अगर ये क्लच आरामदेह नहीं है तो आपके घुटनों में बहुत तकलीफ देता है। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव में हमने दिया है ड्यूअल डायाफ्राम क्लच, जिसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है और घंटों काम करने के बाद भी आपके घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अब बात करते हैं डायना ट्रैक के फुल फ्लैट प्लेटफॉर्म और इसके लीवर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी लीवर्स बहुत ही आसानी से पहुँचे जा सकते हैं, जैसे कि गियर लीवर्स, पीटीओ डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट लीवर या फिर हाइड्रोलिक क्वाड्रेंट। मुझे किसी भी लीवर तक पहुंचने के लिए झुकने की या अपने हाथ को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। गियर लीवर्स, पीटीओ एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट लीवर या हाइड्रोलिक कंट्रोल्स बिल्कुल आसान पहुंच में है। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्लैट है और पेडल्स भी काफ़ी आरामदायक हैं। डीप पडलिंग ऑपरेशन में जब ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ काम करता है तो रोटावेटर जमीन की सतह पर रहता है, लेकिन ट्रैक्टर अपने वजन के कारण नीचे धंसता है। इस समय कार्डन शाफ्ट के टूटने की आशंकाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट जमीन से काफ़ी अधिक ऊंचा है तो ऐसा नहीं होता। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव में हमने इस बात का ध्यान रखा है। डायना ट्रैक 244 का पीटीओ शाफ्ट जमीन से 610 मिलीमीटर ऊंचा है, जबकि डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव 246 के पीटीओ शाफ्ट की ऊंचाई 650 मिलीमीटर है। डायना ट्रैक में एक और इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर है, जिसका नाम है क्वाड्रा पीटीओ। इसके 4 मोड होते हैं, रिवर्स पीटीओ, एमएस पीटीओ, लाइव पीटीओ और जीएस पीटीओ। पडलिंग के दौरान जब रोटावेटर में मिट्टी फंस जाती है तो बड़ी आसानी से रिवर्स पीटीओ मोड का यूज़ करके कुछ ही सेकेंड्स में हम रोटावेटर को फिर से साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो होता है रियर रिडक्शन सिस्टम। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव में पिछला एक्सेल है अल्ट्रा प्लेनेटरी प्लस, जो कि बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और रिलायबल रिडक्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से पहियों पर जबरदस्त टॉर्क मिलता है और गहरी से गहरी पडलिंग में भी आप आसानी से अपना काम पूरा कर सकते हैं। डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव आता है पूरी तरीके से सील्ड मैक्स ओआईबी ब्रेक्स के साथ। ये तेल में डूबे हुए ब्रेक्स होते हैं जो पूरी तरीके से सील्ड होते हैं, जिनमें पडलिंग के दौरान पानी की एंट्री का कोई चांस नहीं होता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको डायना ट्रैक फोर व्हील ड्राइव के पडलिंग से जुड़े हुए फीचर्स काफ़ी पसंद आए होंगे, जैसे कि इसका पूरी तरीके से सील्ड फ्रंट एक्सेल,
24 स्पीड गियरबॉक्स सुपर शटल के साथ, ड्यूल डायफ्राम क्लच, क्वाड्रा पीटीओ विद आरपीटीओ मोड और पीटीओ शाफ्ट की जमीन से ज्यादा ऊंचाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायनाट्रैक फोर व्हील ड्राइव 244 और 246 दोनों ही हाई लग टायर के साथ भी उपलब्ध है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की अधिक जानकारी लेने के लिए हमारी डीलरशिप या वेबसाइट को विजिट करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।